पंजाब चिकित्सक संघ के समर्थन में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ ने भी समर्थन जताया है। जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के महासचिव पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि पंजाब चिकित्सक संघ ने एनपीयू को 25% से 35% करने की प्रार्थना की है। हम भी वही अनुरोध करते हैं कि इसे 35% किया जाए। इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी की सहमति के बाद संघ ने निर्णय लिया है कि 27 जून से सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक प्रदेश के सभी चिकित्सक पेन डाउन स्ट्राइक और गेट मीटिंग करेंगे। वहीं इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब पे कमीशन की सिफारिशें पंजाब सरकार में दाखिल कर दी गई हैं और जिसमें ये अनुचित सिफारिश की गई कि चिकित्सकों के नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस को 20% कर दिया जाए और उसको बेसिक वेतन से अलग किया जाए। इसके विरोध में पंजाब चिकित्सक संघों ने 25 जून से इस अनुचित सिफारिशों के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसका हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ भी पूर्ण समर्थन करता है। आज हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर संघ के प्रदेश कार्यकारिणी की जो वर्चुअल बैठक हुई और उसका जो मुख्य मुद्दा था वो था पंजाब पे कमीशन में जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जिसमें कि चिकित्सकों का जो एनपीए है उसको 25 से 20% करने की बात कही गई है और साथ में उसको बेसिक से डीलिंक करने की बात कही गई है। तो इस मुद्दे पर सारी कार्यकारिणी ने अपना एक मत दिया कि जो पंजाब मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है, हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। जैसे वो 25 जून को पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं, तो हम भी हिमाचल प्रदेश में 27 जून से 9:30 से 11:30 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक और साथ में गेट मीटिंग जो है वो आयोजित करेंगे। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा रहा वो रहा कि चंबा में हमारे डॉक्टर्स को जो है वो वहाँ के अधिकारियों द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, मीटिंग्स में उनको भेजित किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि ऑडियो वायरल हुआ था, एसडीएम साहब एसडीएम पांगी ने किस तरह वहाँ के मेडिकल ऑफिसर को उनकी ड्यूटी करने में रोका, उनको सैंपल लेने में रोका, उसके बाद खुद बुला के उन्हीं को शो कॉज नोटिस निकाला और उनको क्षेत्रवाद के नाम पर उनको प्रताड़ित किया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या किसी क्षेत्र का अगर सरका घाट से है तो क्या वो बेइज्जती वाली बात हो गई? तो उनको सरका घाटू कह के और उनको मोटी चर्बी चढ़ गई ऐसा कह के जो है प्रताड़ित किया गया। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं, इसके अलावा हमारे जो चंबा के जिला प्रधान है मेडिकल अफसर एसोसिएशन के डॉक्टर दिलबाग, तो उनकी माताजी का जब देहांत हुआ तो उनको बार बार शो कॉज नोटिस निकाले गए। उनका जो धर्म हिंदू धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज थे उनकी पालना करने की बजाय उनके और उनके परिवार को शो कॉज नोटिस निकाले गए। उनकी धर्मपत्नी को बार बार नोटिस निकाला गया, जबकि वो जो थे वो अपने हिंदू धर्म के रीति रिवाज जो है जैसे कि मृत्यु के बाद होता है उनको पूरा कर रहे थे और इस तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। तो हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक सही मैसेज जाए जो फ्रंट लाइन में इस समय हमारे डॉक्टर जो है वो इस महामारी से लड़ रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाया जाए ना कि गिराया जाए।